विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया का बारीकी से ज्ञान हो, इसी उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवत में लोकतांत्रिक चुनाव की वास्तविक प्रणाली की तर्ज स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव किया गया। किस तरह से चुनाव से पूर्व नामांकन पत्र भरा जाता है और किस तरह से उसकी स्क्रूटनी की जाती है, यही नहीं विद्यार्थियों को चुनावी की महीन से महीन प्रक्रिया का भी प्रैक्टिकल के माध्यम से महत्व समझाया गया। तत्पश्चात कैसे वोट डालते हैं और किस तरह से उसकी गिनती की जाती है, ये सब भी बताया गया। बकायदा इसके लिए चुनाव अधिकारी से लेकर नोडल अफसर तक नियुक्त किए गए थे। यहाँ तक कि बैलेट पेपर पर हेड गर्ल और हेड बॉय के उम्मीदवार की फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया था। यही नहीं विद्यार्थियों को नोटा का भी ऑप्शन दिया गया था ताकि उन्हें नोटा के महत्व का भी पता चल सके। सहायक निर्वाचन अधिकारी और कार्यकारी प्रधानाचार्य दिनेश नेहता ने कहा कि इस चुनाव में चिराग को हेड बॉय जबकि टीआर शर्मा को हेड गर्ल चुना गया। उन्होंने कहा कि मकसद हेड गर्ल और हेड बॉय चुनना नहीं था बल्कि विद्यार्थियों को चुनाव की वास्तविक प्रणाली से अवगत करवाना था। इस दौरान स्कूल के अन्य स्टाफ संदीप वर्मा, लोकेश शर्मा और पूनम इत्यादि ने अहम भूमिका निभाई। आज ये जो इलेक्शन हुआ है हेड बॉय और हेड गर्ल का, दो पोलिंग बूथ थे जिसमें फर्स्ट पोलिंग बूथ पर जो हमें बैलेट पेपर अकाउंट मिला है इसमें 75 वोट कास्ट हुए है और 76 टोटल वोटर्स थे पोलिंग बूथ वन पर। और इसी तरह से जो पोलिंग बूथ टू था इसमें हमारे पास 81 वोट कास्ट हुए और टोटल यहाँ पर 86 कैंडिडेट्स थे। तो इस तरह से जो टोटल पोलिंग हुई है वो 163 वोटर्स में से, तो यहाँ पर एक काफी ह्यूज जो जिसको बोलेंगे पोलिंग हुई है, 95.7% वोटिंग हुई है। तो इसके लिए सभी बच्चे बधाई के पात्र है कि वो इतने जागरूक है कि उन्हें अपने मत का महत्व है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास बैलेट बॉक्स नंबर 2 ये हेड गर्ल का हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास साथ में काउंटिंग एजेंट भी अवेलेबल है साथ में ही है, और ये काउंटिंग एजेंट को भी हम दिखा रहे हैं कि इसमें जैसे सील लगी होती है, ये अभी सील लगी है, इस तरह सील खुलेगी। और साथ में ही जो ग्रीन पेपर सील है ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है, अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।